रमन रेती मार्ग स्थित आईओपी कॉलेज की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संस्था के अध्यक्ष स्वामी गोपानंद बन महाराज बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उनका आरोप है कि बन महाराज द्वारा स्थापित आईओपी कॉलेज की संपत्ति पर सचिव नामदेव शर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर उसका व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। जब उन्हें इस बात से रोका गया तो उन्हें धमकाने का प्रयास किया गया तथा उन पर जानलेवा हमला कराए गए। वहीं 25 अगस्त को भजन कुटीर के एक संत स्वामी शिवानंद बन महाराज पर जानलेवा हमला हुआ, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में FIR दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रदेश सरकार से साधु को न्याय दिलाने एवं संस्था की संपत्ति को बचाने की मांग की है। इस संबंध में स्वामी गोपानंद बन महाराज के प्रवक्ता राजेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी, जबकि सचिव नामदेव शर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उक्त सभी मामले अदालत में विचाराधीन हैं और अदालत से जो भी निर्णय होगा उसका वे अनुपालन करेंगे। हम साधु के लिए न्याय के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बुलाए हैं। आज वृंदावन में जो संत महात्मा 90-90 साल से तपस्या करने बैठे हैं, किस प्रकार उनके साथ इस प्रकार प्रताड़ना की जा रही है कि उनके बन महाराज के कॉलेज को भी हड़प लिया गया है, उन पर अटैक करवाए जा रहे हैं, उनको जानलेवा खतरा है। तो इस प्रकार का जो हर प्रकार से आज विजयदशमी है, तो ये इस प्रकार का जो रावण है इसका अंत करने के लिए हम मीडिया रूपी राम से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इनकी आवाज़ बने। इनके पास आवाज़ नहीं है, आप इनकी आवाज़ बने और इनको न्याय दिलवाएं। और इनका जो बन महाराज कॉलेज का विजन है वो विजन इनका कंप्लीट हो, ताकि लोगों के लिए भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, इसका जो प्रचार प्रसार करने के लिए बन महाराज कॉलेज बना उसी को ये आगे बढ़ा सके, ना कि जिस प्रकार आज इनके कॉलेज के ऊपर कोई नामदेव शर्मा और उसके गिरोह के व्यक्ति कब्जा करके बैठे हैं और उसको कमर्शलाइज कर चुके हैं। वहाँ मटेरियल एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ लोगों से पैसा कमा रहे हैं, उनके पैसा कमाने का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, करोड़ों करोड़ों रुपए के उन्होंने घर बना लिए हैं। उसकी कोई CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर कोई कार्यवाही होना चाहिए। और ये जो संत जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज 1947 में वृंदावन में यूनिवर्सिटी की स्थापना किए हैं, वही विजन हम इसको आगे बढ़ाने में मीडिया के बंधु से आज विजयदशमी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी आवाज बने। अब ये बताया कि ये इनके ऊपर अटैक किया गया था, कितनी बार अटैक किया गया, क्या आपने पुलिस को सूचना दी इसके बारे में? हाँ जी, हमने जो अटैक हुआ उसकी FIR करवाई, जो अभी रिसेंट की मैं बात कर रही हूं, 28 को।